एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू टू माय चैनल ज्योति स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज की फोर्थ क्लास। परसेंटेज की तीन वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। जो व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट जो तीन वीडियोस हैं परसेंटेज की उनको भी देखना ना भूलें, ताकि जिसका बेस क्लियर नहीं है, जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आज हम परसेंटेज के कुछ नए टाइप डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने बहुत सारे टाइप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ भी, शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ भी बहुत सारे टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आज हम मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे। सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में, सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने इसी क्वेश्चन को किया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक अलग टाइप से डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको मिक्सचर एलिगेशन से। अमित अपनी आय का 80% खर्च करता है और उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बजट में 10% की कमी होती है, तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद से भी पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से होना है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आप कितना ज्यादा टाइम दे रहे हो। और परसेंटेज तो एक ऐसा टॉपिक है, मैं बार बार कह रही हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में पूरे अर्थमेटिक में इन्वॉल्व है परसेंटेज, पूरे अर्थमेटिक का बेस है। तो इसको तो आप बहुत ज्यादा डीपली इसको स्टडी कीजिए। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको चार वैल्यूज गिवन होंगी कोई भी। ठीक है, पांचवी वैल्यू आपको निकालनी है। जो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर क्या दिया है आपको, इनकम दी है, खर्च दिया है और सेविंग, दो चीजें दी हैं, खर्चा है, सेविंग है, और टोटल इनकम में या तो कमी दी होगी या फिर आपको कितनी इनकम बढ़ रही है वो गिवन होगा। ठीक है, तो हम खर्चे और सेविंग का, अब देखिए 80% खर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर दिया है, 80% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब है कि 20% ये बचा रहा होगा, ये सेविंग है ना। इधर आपका जो खर्चा है उसका रेशियो होता है इधर आपका सेविंग का। ठीक है, अब उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, कितने प्रतिशत की, टोटल इनकम में 12% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो बचत में 10% की कमी होती है, बचत में 10% की कमी होती है, इसको इस तरीके से ही लिखते हैं। ठीक है, तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या है, आपको ये वाली वैल्यू आपसे पूछनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे कि इस टाइप का फॉर्मेट क्या होते हैं, कि इसमें जो मिड वैल्यू आपकी गिवन होती है, ऊपर वाली दो वैल्यूज एक इससे छोटी होगी हमेशा और एक वैल्यू इससे बड़ी होगी, और हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। सिर्फ इसका इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए कि एक वैल्यू इससे छोटी होती है और एक वैल्यू इससे बड़ी होगी, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। ठीक है, ये हमारा किसमें दिया है, परसेंटेज में, हम इसको रेशियो में बना लेंगे, 20 20 20 24 80, यानी कि 21 20 24 80, ये आपका 1 और 4 का रेशियो आ गया। जब रेशियो आता है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये आपका यूनिट हो जाता है। ठीक है, 4 यूनिट और 1 यूनिट। अब मैंने आपको क्या बताया कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, एक छोटा होगा तो एक वैल्यू इससे बड़ी होगी। अब देखिए 10 जो माइनस 10 है वो 12 से छोटा है, तो हम इसको माइनस करेंगे, तो 12 से जब माइनस 10 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 22। तो 22 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। जिन बच्चों ने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहा होगा, उन पढ़ रखा होगा, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं उनको 4 से 5 क्वेश्चन लगेंगे प्रैक्टिस करने में, फिर आप फटाफट आप सारे टाइप्स के क्वेश्चन को कोशिश करोगे इससे सॉल्व करें, बहुत अच्छा तरीका होता है ये इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये जो वैल्यू है, अब आपने अभी क्या 4 और 1 का रेशियो बनाया, यानी कि 4 यहाँ पे क्या है, एक यूनिट है। ठीक है, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 22 की, 4 इक्वल टू 22, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, यानी 5.5, डिवाइड कर दिया हमने, ये वाला रेशियो हमारा 1 है, यानी कि 5.5। ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 5.5। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एक छोटी वैल्यू है तो एक बड़ी होगी। अब ये बड़ी वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जिससे इसको माइनस किया होगा तभी आया होगा, इसका मतलब अगर हम इसको और इसको प्लस कर दें तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 12 और 5.5, यानी कि 17.5%, यही आपका आंसर है। ठीक है बेटे, तो इसी तरीके से हम मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपको 4 वैल्यूज की मैंने होंगी, आपको 2 रेस
जो आपको या तो खर्च का बचत का होगा या इनकम या खर्चे का होगा कोई भी, तो आप एक तरफ आप अपना खर्चा, एक तरफ आप अपनी बचत। अगर 80% खर्च कर रहा है आपको दिया नहीं है तो आपको भी पता है तो 20% तो बचा रहा होगा। हमने अपना रेशियो बना लिया, टोटल इनकम कितनी है 12% की वृद्धि हो रही है, पॉजिटिव है। ठीक है, बड़े से छोटे को घटाते हैं, एक वैल्यू छोटी होगी एक वैल्यू बड़ी होगी हमेशा। ठीक है, तो आपको जो गिवन होता है हम उसी को कंपेयर कर देते हैं। ये वाली वैल्यू हमें गिवन है, हमने इससे इसको माइनस किया, ऑलरेडी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो गई, यानी कि जो 4 यूनिट की वैल्यू आई है वो 22 आ गई है। तो एक यूनिट की निकाल लेंगे, जब आपको इसका पता चल गया तो फिर आपको पता है कि ये वाली वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी क्योंकि ये छोटी है। तो इसको और इसको प्लस किया और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि जिसके भी डाउट होंगे वो फटाफट से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आरती अपनी आय का 75% खर्च करती है। फिर से देखिए, यहाँ पे खर्च का रेशियो बना लेते हैं और यहाँ पे बचत का। ठीक है, 75 खर्च कर रही है तो कितना बचा रही होगी बेटे, 25। 75% खर्च कर रही है तो 25% बचत कर रही होगी। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, टोटल इनकम में कितनी वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है, और उसके बचत में 1% की कमी होती है। बचत का रेशियो यहाँ है -1%। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि कमी हो रही है, तो उसके व्यय में वृद्धि बताओ। आपको फिर से ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसको काट लें, ये प्रतिशत में है, मैंने लिखा नहीं था, काट के हमने 1 और 3 का रेशियो आ गया 25 1 जो 25 25 3 जो 75। ठीक है, 1 और 3 का रेशियो आ गया। अब देखो, एक वैल्यू इससे छोटी होगी और एक वैल्यू इससे बड़ी, तो जब छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, 3 की वैल्यू आ गई है 21 के 20 और 1 21। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 7 के, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 7 के। अब ये वाली मैंने क्या बोला, 1 इससे छोटी वैल्यू होगी 20 से, तो 1 बड़ी होगी। तो बड़ी कैसे आएगी, जब हम इसको और इसको प्लस कर देंगे तो 20 और 7, क्योंकि 1 आपका यूनिट था, रेशियो में था ना, आपने काटा था, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आई है, 7 के, तो 20 और 7 कितने हो जाएंगे, 27। यही आपका आंसर है कि 27% जो है वो उसके व्यय में वृद्धि होगी। ठीक है, तो अभी हम एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे इस टाइप से, ताकि आपका जिसका भी कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर नहीं है, अगर एक बार आपको अच्छे से ये दिमाग में आपके बैठ गया ना, तो एग्जाम में आप सबसे पहले इसी को अप्लाई करोगे, क्योंकि बहुत इजी वे में फटाफट सॉल्व हो जाता है ये। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, ये थोड़ा हल्का सा अलग टाइप है आपका, और यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि। यहाँ से आपसे टोटल इनकम में वृद्धि पूछी। अभी आपसे दो क्वेश्चन आपने किए, एक में आपसे खर्च में पूछा था और दोनों में ही शायद खर्चे में पूछा था, या फिर आपने सेविंग वाले किए। ठीक है, यहाँ पर आपसे टोटल इनकम, टोटल इनकम मीन्स देखो जैसे 15% बचा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 85% वो खर्च कर रही होगी। पहले आपको खर्चा दिया था, आपको बचत नहीं बताई थी, अब आपने उल्टा, यहाँ पे 15% बचा रही है तो 85% क्या है, खर्च कर रही होगी। ठीक है, आपने निकाला है। यदि उसका व्यय, यहाँ पे हमने क्या है, खर्च का रेशियो लिखा है और ये आपका बचत का है। ठीक है, यदि उसका व्यय 20% तक बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, मीन्स खर्चा कितना बढ़ रहा है, 20% तक बढ़ रहा है, और बचत में भी कितनी वृद्धि हो रही है, 60% की वृद्धि हो रही है, तो आपसे टोटल इनकम में वृद्धि पूछी है, आपसे ये मिड वाली वैल्यू पूछी है। अब आप क्या करोगे, अभी तो आपको पता था कि ये वाली वैल्यू दी है, एक इससे छोटा होता है एक बड़ा होता है, एक को सॉल्व कर लो, दूसरे की वैल्यू को इक्वल कर दो और आंसर निकाल लो, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपसे मेन वैल्यू मिड वैल्यू पूछेगा तो आपको क्या करना है बेटे, कि आपको इन दोनों का पहले तो इनको रेशियो निकाल लो, 5 से काट देंगे 3 और 17 5 85 यानी कि 17 17 और 3 आ गया, तो इन दोनों का आपको सम करना है और ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंस करना है। नोट कर लीजिए, नीचे वाली वैल्यू का सम करना है और ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंस करना है और दोनों को इक्वल कर देना है, ये इसकी ट्रिक होती है। 17 और 3 कितने होंगे, 20, और 60 में से जब आप 20 घटाओगे तो 40, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई है 2 के बराबर, 1 इक्वल टू 2, तो फिर 3 इक्वल टू कितना हो गया, 6, और 17 इक्वल टू कितना हो गया, 34।
निकाल सकते हो, एक वैल्यू इससे बड़ी है एक वैल्यू इससे छोटी है, यानी कि 20 में अगर हम 6 को प्लस करें तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 26, 26 में से 20 को माइनस किया तो 6 आएगा, या 60 में से 26 को माइनस करेंगे तो 34 आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का पहले रेशियो निकाल लो, इसको प्लस करेंगे और ऊपर वाले डिजिट को माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस को इक्वल कर देंगे, इनको प्लस किया इसको माइनस किया इक्वल किया और आपकी वैल्यू आ जाएगी रेशियो के, ठीक है, और फिर पुट करके आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, 26%, दिस इज योर आंसर। चलिए करते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ए और बी के वेतनों का योग 43,000 है, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% तक खर्च करता है, यदि बचत समान है तो ए का वेतन ज्ञात करो। यहाँ पर देखो आपको एक कंडीशन बहुत अच्छी दे दी है, क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ें, बचत समान है, यहाँ पे आपसे सेविंग क्या बोल दी है, इक्वल है, तो हमें सेविंग निकालनी है। इसका मतलब देखो क्या, ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, 95% खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा होगा, 5%, और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है, इसका मतलब कितना बचा रहा होगा, 20%। हमने इक्वल क्यों किया है, क्योंकि इसने बोला यदि बचत समान है तो हमने बचत को समान कर दिया, परसेंटेज से परसेंटेज काटो, 5 1 5 5 4 20, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए अपॉन बी करेंगे तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 1 आ गई है, ये आपका रेशियो आ गया है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है ए और बी के वेतनों का योग 43,000 है, यानी कि 4 और 1 का जब हम प्लस करेंगे, इनका योग करेंगे, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो दिया है, तो 5 यूनिट बराबर आ गया आपका क्या, ए और बी का योग किया तो 5 यूनिट बराबर 43,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 8 40 और 5 6 30, 8600। और आपसे अब जिस ए का पूछा है तो ए के उससे मल्टीप्लाई कर दो, अब बी का तो ऑलरेडी आपका आ गया है, बी का कितना है, एक यूनिट था, यानी कि 8600 आ गया, आपसे पूछा है ए का, तो ए के लिए आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 24 32 33 34, यानी कि 34,400 रुपीज जो आपके आ रहे हैं वो ए का वेतन आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कंडीशन, कई बार क्वेश्चन में कंडीशन दी होती है और हम उलझे हुए रहते हैं, पहले ही कंडीशन दे दिया यदि बचत समान है तो हमने बचत को निकाला और समान कर दिया, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक जैसे ही है और एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा आप अपने आप कर लेंगे, देखने में छोटा है, क्वेश्चन के कभी स्टेटमेंट में मत जाओ, कई बार बहुत लेंथी लेंथी 4 से 5 लाइन के क्वेश्चन होते हैं और उनका सोल्यूशन बिल्कुल आधी लाइन का होता है ना, इतू सा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपका छोटा है बट सोल्यूशन भी बहुत छोटा है। देखिए कैसे, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई है, आयकर मीन्स इनकम टैक्स, तो शुद्ध आय यानी कि जो नेट इनकम है वो 1% कम हो जाती है, आयकर बताओ, दर बतानी है आपको, रेट बतानी है। अच्छा एक बात बताओ, इनकम जितनी बढ़ेगी यानी इनकम टैक्स आप ज्यादा दोगे तो आपकी जो नेट इनकम होगी वो कम होगी, या आपका टैक्स कम होगा तो आपकी नेट इनकम ज्यादा होगी, ठीक है, आपके टैक्स पर डिपेंड करता है। तो यानी कि नेट इनकम और टैक्स एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, नेट इनकम बढ़ रही है तो टैक्स आपका इसका मतलब कम आप पे कर रहे हैं, अगर आप टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं तो आपकी नेट इनकम कम हो रही है, समझ में आया। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आयकर में 19% की वृद्धि हुई है तो शुद्ध आय 1% कम हो जाती है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, दो तरीके से बताऊंगी मैं, कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इनकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। आयकर में 19% की वृद्धि हुई, आयकर मीन्स इनकम टैक्स, तो हमने इनकम टैक्स तो शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है, यानी कि इनकम टैक्स अगर हम 1% लिख दें और नेट इनकम जो हमारी है, क्योंकि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, 19 लिख दें, ठीक है, परसेंट अभी हटा दें, तो आपकी टोटल इनकम क्या हो जाएगी, टोटल इनकम 20, क्योंकि आपने जितना टैक्स भरा और आपकी जितनी नेट इनकम है दोनों को प्लस किया तो टोटल इनकम। अब आप 20 पे कितना पे कर रहे हैं, 1 रुपए, तो 1/20 ये किसकी परसेंटेज वैल्यू है, 5% की, तो आपकी जो रेट आ गई है वो कितनी आ गई है, 5%। एक तो हो गया आपका ये,
कि आपने डायरेक्ट इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करा कि आपने देखा ये बढ़ रहा है, इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये आपकी नेट इनकम की है और शुद्ध आय में कमी हो रही है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये आपकी इनकम टैक्स की है। आपने दोनों को इंटरचेंज किया, डायरेक्ट आपने आंसर निकाल लिया, इनको प्लस किया तो टोटल इनकम आ गई। अब इसको आप वैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे बोल रहा है वैसे कर दो। आयकर यानी कि इनकम टैक्स में 19% की कमी हुई और शुद्ध आय नेट इनकम में 1% की कमी हुई, ठीक है, वृद्धि हुई और इसमें कमी हुई। अब आप इसको जब इंटरचेंज करोगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इनकम टैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 और नेट इनकम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19, बात आपकी वही आ गई। यही चीज हमने यहाँ पे पहले आपको डायरेक्ट बता रहे थे। अब आपने निकाला कैसे पता चल गया, दोनों को प्लस करेंगे तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी 20। अब 20 रुपए पे आप 1 रुपए ब्याज पे कर रहे हो तो कितना प्रतिशत दे रहे हो, 5% दे रहे हो। बस यही आपका सोल्यूशन था। एक मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा डायरेक्ट। आयकर में 22% की वृद्धि हो जाने के कारण शुद्ध आय 3% कम हो जाती है, यानी कि यहाँ पे आपको इनकम टैक्स 3 और आपकी जो नेट इनकम है वो कितनी है 22, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी बच्चों 22 और 3 25। अब 25 में आप कितना पे कर रहे हो 3 रुपए, तो 3/25। अब देखो यहाँ से आपको डायरेक्ट निकालना, 1/25 किसकी परसेंटेज वैल्यू है, आप बोलोगे मैम 4% की, तो फिर 3/25 किसकी परसेंटेज वैल्यू होगी, डायरेक्ट निकालो 12%, तो ये आपका कितना आ गया 12%। अगर आपको इसको ऐसे ही करना है तो कैसे करोगे, जैसा दे रहा है वैसे लिख दो। इनकम टैक्स में 22% की वृद्धि हो रही है, 22% इक्वल टू शुद्ध इनकम यानी कि नेट इनकम आपकी कितनी कम हो रही है 3%, परसेंटेज से परसेंटेज काटो तो इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम इक्वल टू कितना आ गया 3/22 आ गया आपका यही। अब इनको आप जब टोटल करोगे तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी और टोटल इनकम पे आप कितना ब्याज दे रहे हो 3 रुपए, तो 3/25 की वैल्यू होती है 12%, क्योंकि 1/25 की वैल्यू होती है 4%, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, करते हैं आज के अगले क्वेश्चन। यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं और वे 24 अंकों से फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है। इस तरह के क्वेश्चन तो सारे ही आते हैं जो मैंने करा रखे हैं, लेकिन ये अंकों वाले क्वेश्चन इसके कई सारे टाइप्स हैं। आज हम इसका एक टाइप डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी टाइप्स डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, 4 से 5 बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 35% उत्तीर्ण अंक है यानी कि किसी स्टूडेंट को पास होने के लिए उसको 35% चाहिए। एक बच्चा है उसको 200 नंबर तो मिल जाते हैं, लेकिन वो फेल कितने से होता है 24 नंबर से। इसका मतलब क्या है कि वो पासिंग मार्क्स भी नहीं लाया, तो पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए 224, तो वो पास हो जाता, ठीक है। यानी कि 35% की जो वैल्यू है वो 224 के बराबर है, तो 1% की कितनी हो जाएगी 224/35। तो फिर हमें किसकी चाहिए अधिकतम अंक, हाईएस्ट स्कोर। जब पूछे तो आपसे हमेशा 100% की वैल्यू पूछता है, तो 100% कितना हो जाएगा 224/35×100। इसको आप सॉल्व कर लो, 5 से 5 7 35, 5 × 10 = 20, 7 × 21 = 7 = 14 यानी कि 32 × 64 = 640। ये आपके आ गए हैं हाईएस्ट स्कोर, ठीक है। तो इस तरीके से फटाफट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप जितना मजा मुझे आप लोगों को पढ़ाने में आ रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा मजा आपको पढ़ने में आ रहा होगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम इसको मन लगा करके लगन से करते हैं, प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी होती है, तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और हमारी ब्रेन एक्सरसाइज होती है, इससे पूरी माइंड की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से। तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया कीजिए। देखिए एक छात्र को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं, 66 अंक नंबर उसको अधिक मिलते हैं। दो लैंग्वेज है उसके पास, एक जर्मन और एक फ्रेंच, तो उसके जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन के अंकों के योग का 28% है। हमेशा आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन जरूर दी होगी जिससे आप अपने आंसर को फटाफट निकाल सको, शॉर्टकट से। तो उसके फ्रेंच अंक क्या है, अब देखो उसके जर्मन अंक, मान लीजिए ये जर्मन अंक है, उसके फ्रेंच और जर्मन के अंकों के योग का 28% है। तो हमने मान लिया फ्रेंच और जर्मन का योग जो है वो 100 है,
ठीक है, अपने आप में हमने 100 मान लिया, हमें नहीं दिया इसका 28%, तो 28 ले लिया, 100 इसलिए मान लिया, सीधा सीधा आ जाएगा। अब आप इसका रेशियो निकाल दो, 4 से काट दो 7 और 25, ठीक है। इसमें आपका कौन सा इन्वॉल्व है, ये फ्रेंच और जर्मन है, हमें पता है जर्मन कितना है, 7 नंबर है, जो जर्मन के जो अंक है वो 7 है, और हमारे पास फ्रेंच और जर्मन के कितने हैं, 25 है, यानी कि 7 इसमें इन्वॉल्व है, तो जब हम इसको अलग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 18, 18 और 7 25, यानी कि 7 तो हमारे जर्मन के हो गए और 7 तो जर्मन के और 18 हमारे फ्रेंच के हैं। आप देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या कह रही है, कि जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं, यहाँ पर कितने अधिक है फ्रेंच में, 11, आपके अकॉर्डिंग तो सिर्फ 11 नंबर ज्यादा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 66 नंबर ज्यादा है, यानी कि इस 11 की वैल्यू किसके बराबर है, 66 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 6 के। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ दे, आप मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, आपसे पूछा फ्रेंच अंक कितने हैं, क्या नहीं है, सॉरी फ्रेंच अंक कितने, तो फ्रेंच की वैल्यू कितनी है, जर्मन तो 7 है, फ्रेंच की कितनी, 18, तो 18+6 से मल्टीप्लाई कर दो 108, तो 108 नंबर जो है वो आपके किसके हैं, फ्रेंच के आ गए हैं। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को भी समझते हैं, कंडीशन को अप्लाई करते हुए, अगर आप कोई शॉर्टकट ट्रिक ना भी लगाओगे, सिर्फ अपने माइंड का थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट देख लीजिए क्वेश्चन को, अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट होता है, मैं बार बार बोलती हूँ, आप मुझे मैसेज करके मुझसे पूछा कीजिए, मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी, एक या दो वीडियो भी हमें और लग जाएंगी परसेंटेज को क्लियर करने में, क्योंकि परसेंटेज एक बहुत थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके सारे टाइप्स को मैं कवर अप करके चलूं, कोई भी टाइप इसका छूटे ना, ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी टॉपिक अभी आप आगे पढ़ेंगे, चाहे रेशियो पढ़ेंगे, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, SCI, SI हम करा चुके हैं, दोबारा से भी उसके मिक्स सीरीज लाएंगे, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, आपके जितने भी टॉपिक हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में पूरे अर्थमेटिक में परसेंटेज घुसा हुआ है, तो इसलिए परसेंटेज को डीपली स्टडी करना है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आई होप आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बड़े मजे के साथ आपने सारे क्वेश्चंस किए होंगे, आप लाइक नहीं करते हैं, कई बार कंजूसी करते हैं, तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप हमारी क्लास को एंजॉय करते हैं, तो लाइक किया कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग और मजेदार बेहतरीन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।